हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरी रहेगा, क्या आपकी सैलरी रहने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में जो आपके नोटिफिकेशन निकला है उसकी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले पता चलता रहे। तो फ्रेंड, बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में जो कि हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है, इसके आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन ऑफर चैलेंजिंग कैरियर टू यंग एंड डायनेमिक इंडियन मेल कैंडिडेट ऑफ फॉर जनरल ड्यूटी ब्रांच एंड असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए गैजेट ऑफिसर इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर SC/ST एंड OBC कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी वैकेंसी है जनरल ड्यूटी, जो बॉर्न हुए हैं आपकी एज दर के 1 जुलाई 1996 से लेकर 2000 के बीच में, मेल कैंडिडेट के लिए हैं। ठीक है, कैंडिडेट वो पास बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% एग्रीगेट फर्स्ट टू 8 सेमेस्टर फॉर BE/BTECH कोर्स या 1 फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर फॉर बैचलर डिग्री कैंडिडेट। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट आपके इंटरमीडिएट में होना चाहिए या क्लास 12th में 10+2+3 स्कीम एजुकेशन या इक्विवेलेंट आपके 60% एग्रीगेट मैथमेटिक्स फिजिक्स में होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट नॉट आपका जो सकते हैं पोजीशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथ प्लस 10+2 इक्विवेलेंट आपका जो दे रखा है नॉट एलिजिबल टू जनरल ड्यूटी। ठीक है, यहाँ पे आपको आपके रिलेक्शन मिल जाएगा 5 और 3 साल का OBC के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं मैक्सिमम 5% रिलेक्शन रहेगा एग्रीगेटेड डिग्री का SC/ST और 12th क्लास पास के लिए। तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है, ठीक है, टोटल कैटेगरी वाइज दे रखी है, 5 आपको SC, आप ST 14, OBC 6, टोटल 25 वैकेंसी है। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ओनली कैंडिडेट क्लियर देयर फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट देयर डिग्री आर टू अप्लाई। ठीक है, जिन्होंने आप फाइनल ईयर है या फाइनल सेमेस्टर क्लियर कर लिया वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई देख सकते हैं आप, आपको जो 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट के फादर मदर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ शुड सेम होना चाहिए जो कि मेंशन होना चाहिए क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे। ठीक है, एनी मिसमैच आपको यहाँ पे रियलिटी आपको आपको जो रियल रिजेक्शन आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिकेट एग्जैक्ट पर्सन 12th का आप ग्रेजुएशन अप टू 2 डेसिमल। ठीक है, नॉट राउंड ऑफ यहाँ पे दे रखा है। कैंडिडेट चूज एनी वेन्यू PSV ऑप्शन डिस्प्ले। ठीक है, वहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए उसमें से चुनना होगा। बाकी डिटेल है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन, यहाँ पे आपको वेबसाइट अपॉर्चुनिटी में जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट में आपको 2021 की बैच SRD में। ठीक है, बाकी डिटेल यहाँ पे आपको दे रखी है, यहाँ पे आपको जानकारी दे रखी है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको मैंने बता दिया है क्या क्या आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारी, सारी जानकारी मैंने बता दी है। ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 आपको ये सेंटर दे रखे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम शेड्यूल आपके जो एग्जाम के सेंटर रहेंगे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नोएडा। ठीक है, ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें शॉर्टलिस्ट एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग कट ऑफ मे बी इंक्रीज मोर देन 60% इफ यदि आपके एप्लीकेशन की जो रहते हैं रिसीव होती ज़्यादा। ठीक है, प्राइमरी सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, वो यहाँ पे दे सकते हैं। जो कैंडिडेट हैं 2019-20 में पास हुए हैं वो आपको ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री के साथ आएंगे। 2019 में कर रखा है वो अपनी ओरिजिनल डिग्री के साथ आएंगे जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई है। ठीक है, बाकी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं CGPA शुड बी कोर बोर्डेड विद 60% टोटल मार्क्स एज फ्रॉम द इशू फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट अंडर गो बायोमेट्रिक प्रोफाइलिंग। तो यहाँ पे आपको डिटेल देखना है। स्टेज टू आप देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन द कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग प्राइमरी एग्जाम सिलेक्शन देर विल बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन द डेट वेन्यू फाइनल सिलेक्शन जो कि अपलोड किया जाएगा इंडियन कोस्ट की वेबसाइट पर। ठीक है, द फाइनल सिलेक्शन विल बी कंडक्ट बाई टेंटेटिव फ्रॉम द एंड ऑफ फेब टू अप्रैल 2021 में। ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देखिए क्लास 12th 10th के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको डिग्री के सर्टिफिकेट लेके आना है, तो यहाँ पे सारी जानकारी आपको दे रखी है। आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पे जानकारी दे रखी है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है,
और फ्रेंड ये था मैंने आपको जानकारी दे दी यहाँ पे, बाकी आपको जानकारी इसमें नोटिफिकेशन की और इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमोशन पे स्किल के बारे में जानकारी दे रखी है और अदर बेनिफिट दे रखे हैं, डिस्क्लेमर आपको यहाँ पे दे रखा है, वो यहाँ पे यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े, मैं डेली लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।